जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीटेक मैकेनिकल ब्रांच के बारे में। पूरी तरीके से हम जानेंगे कि बीटेक मैकेनिकल से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको करने के बाद में हमें कहां कहां पर जॉब मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और इसके बाद में हमें इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो यदि आप भी बीटेक मैकेनिकल ब्रांच के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, कुछ पहले सबसे पहले इसके बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं कि बीटेक मैकेनिकल, तो इसकी कोर्स ड्यूरेशन की हम बात करें तो कोर्स ड्यूरेशन ये आपका 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, 4 ईयर का आपका डिग्री प्रोग्राम है, जो कि कैसा होता है, इंजीनियरिंग में आपका डिग्री प्रोग्राम है। इसको यदि आप लेटरल एंट्री करते हैं, यानी कि जैसे आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो उसमें आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, तो फिर आपका ये कितने साल का होगा, 3 ईयर का होगा, फिर आपका ये 3 ईयर का प्रोग्राम होगा। और या आपने बीएससी की हुई है तो भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, बीटेक में आपका 1 साल का आपको छूट मिल जाती है, तो 3 साल का आपका फिर बीटेक का प्रोग्राम होगा। तो ये तो हुई हमारी कोर्स ड्यूरेशन की बात, यानी कि आपका कितने साल का है। इसके बाद में आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपना 12th किया हुआ हो, और 12th में आपके पास PCM होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास 12th में PCM है और उसके साथ साथ आपका PCM में 45% होना अनिवार्य है, यदि आपकी जो कैटेगरी SC ST लगती है, और यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका वहां पर 50% चाहिए होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में जो क्राइटेरिया है वो अपने अलग हैं, लेकिन जो जनरल क्राइटेरिया है, जो आपका जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया है, वो मिनिमम परसेंटेज जो है वो आपकी ये है जो मैंने आपको बताई है। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इससे आगे बात करते हैं नेक्स्ट है कि भाई इसमें क्या पढ़ाया जाता है। देखिए साथियों, जो बीटेक मैकेनिकल है, जो फर्स्ट ईयर होता है वो लगभग लगभग कॉमन होता है, यानी कि चाहे वो आपकी ब्रांच CS है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो वो आपका फर्स्ट ईयर जो होता है वो कॉमन होता है। उसमें आपको मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, और मैकेनिकल है तो मैकेनिक्स भी पढ़ना है, और साथ के साथ जो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है सी प्रोग्रामिंग, वो भी आपको इसमें पढ़नी होती है। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस लगभग कॉमन होता है। इसके बाद में जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आते हैं, यानी कि आप थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद में फिर आपके जो सब्जेक्ट है, वो जो सिलेबस है, वो आपको किसका शुरू हो जाता है, फिर हो जाता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। आपको फिर पढ़ाने स्टार्ट कर दिया जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो बाकी सब्जेक्ट है उनको फिर कम कर दिया जाता है, यानी कि जैसे आपका कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग वो फिर आपकी हटा दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। वो भी किस लिए पढ़ाई जाती है, कि आप लॉजिक वगैरह सीख सकें, ये सब सारी चीजें सीख सकें, तो इसलिए आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। आपके फिर मैथ फिजिक्स भी वो भी थोड़े से कम कर दिए जाते हैं। फिर आपको जो सिलेबस है वो किसका चलने लगता है, मैकेनिकल का चलने लगता है। तो सिलेबस के बारे में आप समझ गए होंगे, जो बेसिक कांसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में बात करते हैं जॉब ऑप्शंस की, जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके बाद में क्या हैं। साथियों, जब आप मैकेनिकल से अपना इंजीनियरिंग करते हैं, अपना बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, यानी कि यदि हम मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो ये उन टॉप मोस्ट ब्रांचेस में से है, यानी कि जैसे अब सबसे टॉप पे माना जाता है, किसको माना जाता है, CS को, फिर उसके बाद में मैकेनिकल को, यानी कि ये टॉप मोस्ट ब्रांच में से एक है। तो इसके जो गवर्नमेंट जॉब में ऑप्शन है वो भी बहुत सारे हैं, जैसे रेलवे में वैकेंसी निकलती है, आर्मी में निकलती है, आपकी बहुत सारी इसकी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, तो वहां पर आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। अब यदि हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि यदि आपने बीटेक मैकेनिकल से किया है तो आपको इसके बाद में कैरियर क्या है, कैरियर आफ्टर बीटेक मैकेनिकल, तो यदि आपने मैकेनिकल से किया है तो आपका जो कैरियर है काफ़ी अच्छा है। प्राइवेट में आप देखते होंगे नई एक टेक्नोलॉजी आ रही है, मैकेनिकल जो मशीनरी इंडस्ट्री है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। आप चाहे हम 2-व्हीलर की बात करें, 4-व्हीलर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल में, तो ये सब किसके थ्रू हैं, मैकेनिकल के ही थ्रू हैं। इसमें भी फिर ब्रांचेज जो है मैकेनिकल में, जब हम आगे बढ़ते हैं बीटेक के बाद में, हम एमटेक करते हैं या PhD में जाते हैं, तो फिर अलग अलग हो जाती हैं, ऑटो प्रोडक्शन, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें भी
भी फिर आप जो मैकेनिकल में भी बहुत सारी ट्रेड आपकी आगे जाके बन जाती हैं। तो मैकेनिकल इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है। आप देखते हैं अलग अलग कंपनीज हैं, चाहे आप गाड़ियों की बात करें, बाइक की बात करें, बहुत सारी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करें या सर्विस सेंटर की बात करें, तो ये सब सारी चीज़ें किसकी देन है? ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर की देन है। तो इसमें आपकी जॉब वैकेंसीज प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो हम टू व्हीलर फोर व्हीलर इनकी बात करें या फिर आप जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी बात करें, उसमें भी आपका मैकेनिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैकेनिकल ब्रांच अपने आप में बहुत ही, जिसे हम कहें, टॉप मोस्ट ब्रांच में से है, काफ़ी अच्छी ब्रांच मानी जाती है। जॉब के लिए यदि आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज से या आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक कंप्लीट किया है मैकेनिकल से, तो जॉब के लिए आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, आपको कैंपस प्लेसमेंट आसानी से मिल जाती है। और इसके बाद में आप बीटेक करने के बाद में आप अपना एमटेक भी कर सकते हैं मैकेनिकल से एमटेक करने के बाद में आप जो है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि एज अ टीचर भी आप पढ़ा सकते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। यानी कि आप जब एमटेक करें तो एमटेक के साथ में अपना नेट का एग्जाम दे सकते हैं, यूजीसी नेट का, और यूजीसी नेट का आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ब्रांच है बीटेक मैकेनिकल। तो इसके जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा इसका अच्छा, काफ़ी अच्छा इसका करियर माना जाता है। श्रीराम पिस्टन है, इतनी कंपनीज हैं जिनके मैं नाम आपको नहीं बता सकता हूँ, जो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट भी बनाते हैं, कंपनी जो प्रोडक्ट भी बनाती है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मैकेनिकल के लिए आती हैं। इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके बाद में बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। तो यदि हम बात करते हैं बीटेक की यानी कि इंजीनियरिंग की, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है आईआईटीज़ का। यानी कि आप जो है जेई मेंस के थ्रू आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद में फिर आपको आईआईटीज़ के कॉलेज मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। और यदि आईआईटीज़ के कॉलेज नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप एनआईटीज़ की तरफ जा सकते हैं, वीआईटी पुणे की तरफ आप जा सकते हैं, वीआईटी बेंगलोर की तरफ आप जा सकते हैं। और यदि उसमें भी फिर आपका नहीं बन पाता है तो आप एसआरएम ग्रुप में जा सकते हैं। एसआरएम भी अपने आप में एक अच्छी ब्रांड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन अपने आप में काफ़ी अच्छी ब्रांड है। और यदि आप उसमें भी नहीं कर पाते हैं तो डिपेंड करता है, ये भी मैटर नहीं करता कि आप बड़े किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं कर पा रहे हैं बीटेक या बड़े कॉलेज से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। मैटर करता है कि आप अपना कितना जुनून रखते हैं, कितना सीखना चाहते हैं, आपके अंदर लर्निंग पावर कितनी है। तो आप कहीं से भी कीजिए लेकिन अपने पूरी लगन और मेहनत के साथ कीजिए तो आप जरूर यहाँ पर अपना कामयाबी हासिल करेंगे, जॉब हासिल करेंगे अच्छी कंपनीज में, गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपनी जॉब आसानी से ले सकते हैं। मैकेनिकल ब्रांच काफ़ी अच्छी ब्रांच मानी जाती है। यानी कि इसके बाद में आपके जो बेस्ट कॉलेज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और यदि आप कॉलेजेस की लिस्ट जानना चाहते हैं सिक्वेंस वाइज तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो साथियों इसके बाद में हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी पैकेज इसमें कोई लिमिट नहीं है, काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी रहती है। यदि हम स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग की भी हम बात करें तो यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक मैकेनिकल से किया है तो जो मिनिमम पैकेज है आपका 4 लाख पर एनम से लेकर और आपका 12 लाख 15 लाख पर एनम तक रहता है यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक मैकेनिकल से किया है। और यदि आप किसी थर्ड क्लास से करते हैं तो वहाँ पर मैं तो नहीं कह सकता कि पैकेज क्या रहेगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सिक्योरिटी है, लेकिन हाँ यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक कंप्लीट किया है मैकेनिकल से तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है बीटेक मैकेनिकल को लेकर तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।